Okay, so we will start with the first chapter of our semester 2, that is the materials and stores. ये जो chapter है इसके इसको सीखने के बाद, इसको पूरा finish करने के बाद कुछ यहाँ पे objectives है, ये सब चीजें आपको करते आएगी after learning from this chapter, कि आपको materials और stores का meaning क्या होता है ये बताते आएगा. आप materials को जब store करते हो, देखिए कोई भी factory होती है ना, वहां पे एक warehouse होता है और वो वेयरहाउस को का इंचार्ज को हम लोग कहते हैं स्टोर कीपर. तो स्टोर कीपर किस तरीके से मटेरियल्स को स्टोर करता है, उसको कोडिंग कैसे करता है, ये हम लोग सीखेंगे. अलग अलग लेवल्स ऑफ स्टॉक हम लोग सीखेंगे, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल वगैरह क्या होता है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग सीखेंगे और वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज. मटेरियल्स जब हम इशू करते हैं प्रोडक्शन को, तो अलग अलग उसके जो प्राइसिंग कितना क्या रहेगा, प्राइस मटेरियल का प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और आपको ये एक्सप्लेन करते हुए आएंगे. तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले वी विल स्टार्ट ऑफ विद द मीनिंग एंड द क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल. ओके, सो लेट अस रीड द थ्योरेटिकल पार्ट. द सब्सटेंस फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल. ओके, आपकी कोई भी फैक्ट्री हो जहां से आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, उसे हम फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं. कोई भी फैक्ट्री हो जहां से आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, लेट अस से कि आपकी एक प्लास्टिक चेयर्स बनाने की फैक्ट्री, कुर्सियां रहती है ना प्लास्टिक की, जो चेयर्स रहती है वो बनाने की फैक्ट्री, तो मुझे बताओ ये प्लास्टिक की चेयर्स बनाने में मटेरियल कौन सा लगता है आपको, कौन सा मटेरियल लगता है बेटा प्लास्टिक चेयर्स बनाने में? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, नाम में ही छुपा हुआ उसका मीनिंग. अगर आप प्लास्टिक, करेक्ट, प्लास्टिक के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो लगते हैं आपको. आपका रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पे, प्लास्टिक की चेयर्स बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल है प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स. ओके, तो ये क्या हो गया, हम लोग इसे कहेंगे मटेरियल. ओके, प्लास्टिक से प्लास्टिक की चेयर्स बनेगी, तो प्लास्टिक की चेयर बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके लिए रॉ प्लास्टिक के जो ग्रेन्स है वो मटेरियल. ओके, इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके, जो भी मटेरियल होगा उसके बिना आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते बिना मटेरियल्स के. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मटेरियल्स लगेंगे, बिना मटेरियल्स के आप गुड्स नहीं मैन्युफैक्चर कर सकोगे. और जब भी आप कॉस्ट शीट देखोगे, टोटल कॉस्ट हम लोग देखेंगे, जब हमने पिछले सेमेस्टर में कॉस्ट शीट देखी थी, तो जो मटेरियल्स होते हैं ना, दे आर द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द टोटल कॉस्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉस्ट शीट में मटेरियल्स का होता है, सबसे ज्यादा कॉस्ट जो होता है वो मटेरियल्स का होता है. बाकी सब चीजें, बाकी सब खर्चे होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर किसका होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मटेरियल्स का. मटेरियल्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेबर, और उसके बाद दूसरे ओवरहेड्स आते हैं. ओके, तो मटेरियल को हम लोग कह सकते हैं कि मटेरियल क्या है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, मटेरियल क्या है, मटेरियल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ मटेरियल्स जो हो गए वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल. फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको ये सिखाया था, स्टिल एक बार रिविजन करेंगे. जस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्ट मटेरियल किसको कहते हैं, कि भाई जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंज्यूम होता है. जैसे कि अभी मुझे आपने बताया कि सर प्लास्टिक की चेयर्स बनाने वाली अगर फैक्ट्री है, तो उसमें जो प्लास्टिक के ग्रेन्स होते हैं वो मटेरियल करके रखता है. तो यहाँ पे जो प्लास्टिक के ग्रेन्स है बेटा, ये डायरेक्ट मटेरियल है. ओके, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन में डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है. दे आर गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन. ओके, प्रोडक्शन खत्म होने के बाद ये जो प्लास्टिक के ग्रेन्स हो गए ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे. ये अपना रूप जो है, इनका एग्जिस्टेंस जो है, स्वरूप बदल के इनका क्या बन जाता है, इनकी प्लास्टिक की चेयर्स बन जाती है. तो ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स. ओके, ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल. जैसे कि फर्नीचर बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, तो उसमें लकड़ी जो रहेगी, वुड जो रहेगा, वो डायरेक्ट मटेरियल रहेगा. ओके,
वैसे ही आगे आप बहुत सारी इसमें चीजें देख सकते हो कि जहां पे मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए लगता है, जैसे गारमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री होती है, कपड़े कपड़ों की फैक्ट्री अगर कोई होती है, वीविंग मिल होती है, तो वहां पे क्लॉथ होता है डायरेक्ट मटीरियल। ओके, तो ऐसी चीजों को, ऐसे मटीरियल्स को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटीरियल। फिर इनडायरेक्ट मटीरियल किसे कहते हैं? तो ऐसा मटीरियल जो प्रोडक्शन में तो यूज होता है लेकिन प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई उसको नहीं कर सकते। ओके, डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक बनाने की, प्लास्टिक चेयर्स बनाने की फैक्ट्री है, उसमें जो प्लास्टिक के ग्रेन्स होते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन प्लास्टिक की चेयर बनाने वाली मशीन में जो ऑयल लगता है, ओके, वो होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। या उस प्लास्टिक की चेयर बनाने के लिए जो आपको लूज टूल्स वगैरह या फिक्स्चर्स वगैरह कुछ अगर लगते हैं, जो डाई वगैरह होती है, प्लास्टिक की चेयर के बनाने के लिए एक डाई होती है ना, वो डाई में प्लास्टिक डाला जाता है और फिर वो चेयर का आकार लेती है। तो ये जो चीजें हैं, प्लास्टिक को छोड़ के जो मैंने बात की कि डाई लगती है, फिर ऑयल लगता है, लुब्रिकेंट लगता है, ये सब भी मटेरियल है, लेकिन क्या ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज हो रहा है? नहीं, इनको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटीरियल। प्रोडक्शन में यूज हो रहा है लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ओके, तो आई होप आपको ये मीनिंग समझा होगा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग आपको समझा होगा। इज इट क्लियर? नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन। अब ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन क्या होता है? तो यहाँ पे कॉस्टिंग की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो मटेरियल्स में हम लोग स्टोर कीपर की बात करते हैं ज्यादा तो। ओके, जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट होता है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करता है, वैसे ही जो गोडाउन होता है या जो वेयरहाउस होता है वहां पे एक स्टोर कीपर होता है, और वो स्टोर कीपर की जिम्मेदारी होती है कि जो भी मटेरियल है स्टोर में उसको प्रॉपरली वो रखे। ओके, उसको वो प्रॉपरली रखे। तो जो स्टोर कीपर होता है उसकी ड्यूटीज होती है कि जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसको एक्सेप्ट करे। ओके, मतलब वेयरहाउस में अंदर उसको एक्सेप्ट करे, उसको आइडेंटिफाई करे कि भाई कौन सा रॉ मटेरियल है, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको क्लासिफाई करे, उसको कोई कोड वगैरह दे, और उसको प्लेस करे, मतलब उसको कहीं ना कहीं गोडाउन में स्टोर करे। ओके, उसको कहीं ना कहीं गोडाउन में स्टोर करे। और कितना इफिशियंटली आप रॉ मटेरियल्स को स्टोर करते हो इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आपका वेयरहाउस काम करता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा बेटा आपको। आप कभी किसी हार्डवेयर के शॉप में गए हो? डू यू नो हार्डवेयर का शॉप क्या होता है? एनीवन? यस सर। क्या होता है हार्डवेयर का शॉप? क्या होता है, क्या मिलता है हार्डवेयर के शॉप पे? सर पाइप्स, और पाइप्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, स्क्रूज मिलते हैं, वो अलग अलग टाइप के मशीनरी में लगने वाले इक्विपमेंट जैसे बेल्ट्स होते हैं, फिक्स्चर्स होते हैं वगैरह, चीजें मिलती है हार्डवेयर की शॉप में आप जाते हो तो। ओके, अब आप किसी हार्डवेयर की शॉप में जाओ और उसको एक पर्टिकुलर नट दिखाओ कि मुझे ये साइज का नट चाहिए। ओके, तो वो आपको 5 मिनट में वो नट ढूंढ के ला के दे देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप ध्यान से किसी हार्डवेयर की शॉप में जाके देखो, वहां पे पीछे से बड़े बड़े रैक लगाए होते हैं और हर एक रैक में से वुडन बॉक्सेस रखे होते हैं और हर एक बॉक्स पे कोड लिखा होता है कि इसमें क्या है। ओके, एकदम प्रॉपरली उनकी कोडिंग होती है और लगभग सभी चीजें एक जैसी चीजें एक साथ रखते हो, जैसे कि एक पूरा रैक जो रहेगा उसमें नट्स रहेंगे सब, फिर एक में सब बोल्ट्स रहेंगे, एक में स्क्रू ड्राइवर रहेंगे, पूरे के पूरे रैक में अलग अलग साइज के स्क्रूज, अलग अलग साइज के नट्स, अलग अलग साइज के बोल्ट वहां पे रखे होंगे। तो मतलब किसी कोई कस्टमर आता है उसको अगर नट चाहिए या स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो वो जो दुकान वाला होगा, हार्डवेयर की दुकान वाला, वो स्क्रू ड्राइवर जहाँ जिस रैक में रखे है वहां पे जाएगा और फिर वहां पे जल्दी से साइज के हिसाब से उसको जो स्क्रू ड्राइवर चाहिए वो इमीडिएटली निकाल के ला के कस्टमर को दे देगा। तो ये पॉसिबल कब होता है? जब आप प्रॉपरली एक्सेप्ट, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और प्लेस करते हैं आपके मटीरियल्स इफिशियंटली। अगर आप ये काम करते हैं तो किसी भी मटेरियल को आपके वेयरहाउस में या आपके गोडाउन में ढूंढना
और उसको प्रोडक्शन के लिए सप्लाई करना बहुत ही इजी होता है. ओके, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, शॉर्ट में सीखेंगे, बाकी थियोरेटिकल के टाइम पे मैं आपको पढ़ा होगा ही. क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटीरियल. ओके, एक एग्जांपल देते हैं हम लोग सीधा सा, छोटा सा आपको, कि सपोज ये फैक्ट्री है. ओके, दिस इज अ फैक्ट्री और इनका एक यहां पे एक डिपार्टमेंट है, स्टोर्स का डिपार्टमेंट. स्टोर्स मतलब यहां पे रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह चीजों को स्टोर किया जाता है. इसको थोड़ा सा यहां पे नहीं दिखाता जाएगा, इसके लिए ये थोड़ा सा ऐसा बड़ा बना लेंगे हम. ठीक है, ये उस कंपनी का स्टोर डिपार्टमेंट है. ओके, और ये स्टोर डिपार्टमेंट का एंट्री पॉइंट है. यहाँ पे आपका स्टोर कीपर का ऑफिस होगा बिल्कुल दरवाजे के पास, ताकि उसको कंट्रोल रह सके कि कौन सा सामान अंदर बाहर जा रहा है, उस पर उसका कंट्रोल रह सके. ये होता है उनका इंस्पेक्शन डैश कर देता हूँ क्योंकि लाइन में नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, नहीं तो ट्राई इसमें बाइफरकेट हो जाता है. ओके, ये होता है उनका इंस्पेक्शन एरिया. कोई भी रॉ मटेरियल जब आता है फैक्ट्री में तो स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर होता है. यहाँ पे पहले वो इंस्पेक्ट होता है, स्टोर वाला उसको देखता है कि भाई सामान बराबर है या नहीं, डिफेक्टिव वगैरह तो नहीं है. ओके, इंस्पेक्शन होने के बाद ये अंदर यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट में ना ऐसे अलग अलग रैक लगे होते हैं, रैक नंबर 1, रैक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पे हो गए रैक्स. रैक पता है क्या क्या होता है? मेटल के रैक्स होते हैं ना. लाइब्रेरी में गए हो कॉलेज? आप नहीं गए होगे लाइब्रेरी में कॉलेज की, क्योंकि आपने आपका एडमिशन ही लॉकडाउन के टाइम पे हुआ है. लेकिन कभी आप लाइब्रेरी में या कहीं पे भी जाना, वहाँ पे ऐसे रैक लगे होते हैं ना, उसमें बुक्स होती है. वैसे स्टोर रूम में भी ऐसे रैक्स होते हैं, लोखंड के मेटल के रैक्स होते हैं और उसमें सामान रखा होता है. तो जो भी रॉ मटेरियल होगा हर एक रैक में एक अलग टाइप का रॉ मटेरियल होगा. ओके, और इसको फिर कोडिंग की जाती है कि भी कौन सा मटेरियल कहाँ रखा है वो स्टोर कीपर को पता हो. मतलब कोई भी मटेरियल कहीं पे भी नहीं रख देना है. तो उसको कोडिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं. एक होता है अल्फाबेटिकल मेथड, एक होता है न्यूमेरिकल मेथड, और तीसरा होता है अल्फाबेटिकल कम न्यूमेरिकल मेथड. ओके, तो ये एक एक करके पढ़ते. क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी फॉर कीपिंग मटेरियल इन स्टोर. स्टोर में मटेरियल को रखने के लिए मटेरियल का क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन नेसेसरी है. उसके बिना जो स्टोर कीपर है उसको पूरी स्टोर घूमनी पड़ेगी. कोई भी एक मटेरियल ढूंढना रहा तो उसको पूरा के पूरा स्टोर बार बार घूमना पड़ेगा. ऐसा ना हो इसके लिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन जो है वो जरूरी होता है. मटेरियल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर इन अप्रोप्रिएट कैटेगरीज. ओके, अलग अलग कैटेगरीज में उनका क्लासिफिकेशन होता है. जैसे कि मटेरियल्स रिलेटेड विथ इंजीनियरिंग आर क्लासिफाइड एज ब्रॉन्ज, कॉपर, स्टील एक्सेट्रा. अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो भाई ब्रॉन्ज की चीज़ें इस जगह पे, कॉपर की चीज़ें यहाँ पे. ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ब्रॉन्ज रखा है, यहाँ पे कॉपर रखा है, और ये सब रॉक्स में क्या रखा है, स्टील की चीज़ रखी. ओके, तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है. वैसे ही आगे देखते हैं. और टू सेव टाइम इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट नोन एज मटेरियल मैनुअल इज प्रिपेयर्ड. इस मैनुअल में लिखा होता है कि स्टोर रूम में कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ पे, कौन सा मटेरियल कहाँ पे रखा गया है, उसका कोड क्या है. ओके, और कोडिंग करने के तरीके होते हैं अल्फाबेटिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, अल्फाबेटिकल कम न्यूमेरिकल मेथड. ओके, जैसे कि अब यहाँ पे पहले अल्फाबेटिकल मेथड. अल्फाबेटिकल मेथड कब यूज होता है? कि जब मटेरियल लिमिटेड आपके पास मटेरियल हो. ओके, जब आपको लिमिटेड मटेरियल लगते हो तब आप अल्फाबेटिकल मेथड यूज करते हो. जैसे कि सपोज आपको आपका जो फैक्ट्री है, लेट अस से कि आपका प्लास्टिक चेयर्स बनाने का फैक्ट्री है. ओके, तो यहां पे आपको अलग अलग प्लास्टिक्स लगेंगे. एक टाइप का प्लास्टिक जो होता है
वो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है, कड़क प्लास्टिक होता है, जो आप चेयर्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हो, तो उसको कहा जाता है पॉली प्रोपली कार्बोनेट, उसको पीपी कहा जाता है, पीपी। फिर एक होता है प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह बनाने के लिए लगने वाला प्लास्टिक, उसको कहा जाता है पीवीसी। ओके, ऐसे प्लास्टिक के जो अलग अलग मटेरियल्स हो गए उनको आप अल्फाबेटिकली स्टोर करोगे गोडाउन में, कि भाई अभी किसी को कि पूछा कि भाई पीपी का ग्रेन्स कहाँ पे रखे हैं, तो वो यहाँ पे रखे हैं, पीवीसी कहाँ पे रखा है तो एक्स वाई जेड इस साइड रखा है, ऐसा आप यहाँ पे अल्फाबेटिकली स्टोर करते हो। ओके, मटेरियल्स को अल्फाबेटिकली स्टोर करते हो, जैसे कि कोई डाइज होगी तो उसको ऐसा, चेयर की डाई होगी तो CH1 या CH की डाइज है ये, फिर अगर चेयर बनाने की डाई को CH कहेंगे, फिर टॉयज बनाने की डाई को TO कहा जाएगा, इस तरह ये अल्फाबेटिकली आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, कौन सा मटेरियल कहाँ रखा है उसको आपने अल्फाबेटिकली लिखा है। ओके, आपकी बुक में तो ये अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन है। वैसे ही सेकेंड जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं क्लासिफिकेशन को। ओके, यहाँ पे नंबर से कोई भी मटेरियल को स्टोर किया जाता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे कोड 2341 मीन्स मटेरियल नंबर 41 जो कॉपर वायर है, जो डिपार्टमेंट नंबर 23 में यूज होता है, 23 नंबर की डिपार्टमेंट में 41 नंबर का मटेरियल, 41 नंबर का मटेरियल कॉपर वायर है और वो 23 नंबर के डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, इसके लिए कोड रहेगा उसका 2341। अब ये न्यूमेरिकल मेथड कब यूज होता है, जब आप कंप्यूटराइज कोडिंग करते हो तब, क्योंकि इंसानों को ये नंबर याद रखने में डिफिकल्टी होती है, कोई भी स्टोर कीपर कितने भी सालों का उसका एक्सपीरियंस हो उसको ये कोड याद नहीं रहेंगे। ओके, तो ये कब यूज होती है, दिस इज ओनली सुटेबल वेयर यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर्स को यूज करते हो और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे आपके पास मटेरियल्स हैं, तो न्यूमेरिकल मेथड यूज होती है। तीसरी मेथड जो होती है वो होती है अल्फाबेट प्लस नंबर्स, जहाँ पे आप दोनों को यूज करते हो। इन दिस मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स इज यूज फॉर कोडिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स को कोड करने के लिए दोनों की यूज की जाती है। जैसे कि अ स्टील वायर ऑफ 4 mm, 4 mm का अगर स्टील वायर है जो रैक नंबर 22 में रखा है, ऐसे ये रैक के नंबर हो गए, देखो ये जो रैक्स है ना गोडाउन में, इनके नंबर हो गए, एक, जस्ट वेट, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ओके, तो सपोज ये 22 नंबर का रैक है, दिस वन इज 22 नंबर, 22 रैक नंबर 22। ओके, और यहाँ पे लिखा गया है हमको कि स्टील वायर ऑफ गेज 4 mm, ओके, 4 mm की का स्टील वायर, ओके, कहाँ पे रखा गया होता है, 22 नंबर के रैक में रखा होता है, तो उसको कोड क्या मिलेगा, SW मतलब स्टील वायर, 4 mm मतलब 4A 4 गेज स्लैश 22 मतलब ये कहाँ पे स्टोर है, बिन नंबर 22, मतलब ये कोड से स्टोर कीपर को इमीडिएट पता चल जाएगा कि जो मेरी फैक्ट्री का 22 नंबर का रैक है यहाँ पे स्टील वायर 4 mm गेज की रखी हुई है, तो इमीडिएटली अगर कोई उसको स्टील वायर मांगने आता है तो वो इमीडिएटली 22 नंबर के रैक पे जाएगा, वहां से स्टील वायर निकाल के कस्टमर को लाके दे देगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लाके दे देगा। ओके, तो इट इज वेरी इजी एंड वेरी इफिशियंट मेथड ऑफ फाइंडिंग कि कौन सा मटेरियल जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है। ये सब थ्योरी है, ओके, ऑल दिस इज थ्योरी, एक्चुअल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ से हमारे शुरू होंगे, स्टॉक के लेवल्स। ओके, तो जो स्टॉक के लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं और इसके बारे में जो डिस्कशन होगा बेटा, ये आज हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे, आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ही था। कल से हम पहला जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपका जो चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स एंड स्टॉक लेवल्स। तो इसमें से सबसे पहला जो स्टॉक लेवल्स है ये हम कल शुरू करेंगे और मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर्स में स्टॉक लेवल्स का पूरा एकदम पक्का अच्छे से पढ़ाई हम लोग कर लेंगे। ओके, तो स्टॉक लेवल्स की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे, फिलहाल हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप